मैं आप लोगों के साथ कोई वीडियो नहीं शेयर कर रही हूँ। आज मैं अपने बच्चे के बर्थडे की सेलिब्रेशन लेकर आई हूँ, जो हमने किस तरह से सेलिब्रेट किया है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7, और सुबह में सारे बच्चे 6 बजे तक चले गए हैं दोनों बच्चे। अब हमारा घर का सारा काम बचा हुआ है, घर का काम कर लेते हैं, उसके बाद बर्थडे की हम तैयारियां करते हैं। हमारे ये करीबन बज रहे हैं 12। मैंने सारा घर का काम कर लिया है, बस करने के बाद थोड़ी सी सोची कि पहले सजावट कर लूँ, तो ये मैं और मेरी जो हेल्पर है वो साथ में मिलकर थोड़ा सा डेकोरेशन कर रहे हैं। मैंने सोचा कि बैलून बाद में फुला लूँगी, पहले कुछ डेकोरेशन का काम जो बचा हुआ है वो कर लें। तो मैं और मेरी हेल्पर जो आशा है वो मिलकर सारे कुछ बैलून और झालर सजा रहे हैं। अब तो जानते ही हैं बच्चों को क्या पसंद है, तो बच्चों का ही डिमांड है कि ऐसे सजाना। तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं, थोड़ा बहुत इसकी कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने स्पाइडरमैन का बैलून लाया था, थीम बैलून, उसे मैंने सजा दिया है फुलाकर। और यहाँ पर थोड़ा सा बैलून मैंने, हैप्पी बर्थडे का जो बैलून आता है ना, वो हैप्पी बर्थडे हम लोग दोनों मिलकर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने हैप्पी बर्थडे का लगा लिया, हैप्पी का लगा लिया है, बाद में मैंने यहाँ पर बर्थडे का लगा रही हूँ। बीच बीच में काफ़ी गड़बड़ी भी हुई, पर हमने कुछ सजा लिया है। आप देखकर ज़रूर बताइएगा कि कैसी हुई है सजावट। तो यहाँ पर बैलून लगने के बाद मैंने थोड़ा बहुत स्टार बैलून वगैरह थी उसे मैंने बीच में और साइड साइड से फुलाकर लगा दिया था। तो यहाँ पर लगाने के बाद कुछ बैलून मैंने रखा हुआ था कि आगे बाद में बैलून शाम के टाइम में फुलाकर लगाऊंगी, सजाऊंगी। और यहाँ पर बच्चों का डिमांड था डोनट का, तो साथ में मैं कुछ काम करने के बाद डोनट्स बना रही हूँ। डोनट्स में आप देख सकते हैं कारीगरी भी कर रही हूँ बीच बीच में। यहाँ पर कुछ मेरे पास कुकी कटर थे, उससे मैं डोनट्स को कट कर रही हूँ, कोई किसी शेप में, कोई किसी शेप में। और यहाँ पर बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा नाश्ते का इंतजाम कर रही हूँ, तो यहाँ पर डोनट और साथ में मैं कुछ स्नैक्स की तैयारी कर रही हूँ। ये लगभग मेरा 4 बज गया है, तो यहाँ पर मैं 4 बजने के बाद खाना स्टार्ट कर दी थी बनाना। और यहाँ पर देखिए मैंने सारे सजा कर तैयार कर लिया है, और सारे लाइटिंग भी मैंने ऑन कर दी है। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको सजावट कैसी लगी। बहुत ज़्यादा तो नहीं चाहिए, पर मैं लगभग थोड़ा बहुत तैयार कर ली हूँ। और तब तक 8 बजे के करीब सारे बच्चे आ गए, तो डोनट्स और मैंने स्नैक्स की तैयारी की थी, वो सबको मैं पहले दे दूँगी जब तक नाश्ता करेंगे। और यहाँ पर नाश्ता करने के बाद मैंने यहाँ पर केक को लाकर टेबल पर रख दिया है। केक कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और ये 7 ईयर्स का हो गया है, तो मैंने 7 ईयर्स के कैंडल लगाया है। यहाँ पर जिसका बर्थडे है वो, उसका पैर तो शांत ही नहीं है, वो इधर से उधर उछल रहा है। मतलब इतनी एक्साइटमेंट है उसमें कि उसका कोई हिसाब नहीं है। तो यहाँ पर केक कटिंग के लिए यहाँ पर सब बच्चे भी आ जाते हैं, बड़े भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बच्चे आए हैं। ये उसकी बड़ी माँ है, और ये इसके दादा हैं, कुछ आंटीज़ आई हुई हैं, इसकी मौसा जी हैं, मामी है, नाना है, नानी है, कुछ मोहल्ले के, कॉलोनी के फ्रेंड्स हैं। तो काफ़ी बच्चे, काफ़ी बड़े लोग हो गए थे। और आप सभी के बच्चे भी होंगे तो आप समझ सकते हैं कितनी शैतानियाँ करते हैं। और बच्चे का जो बर्थडे रहता है ना, उस दिन उन लोग का बहुत ही खास, अपने आप को वो चाहते हैं कि हमें ही ज़्यादातर अटेंशन मिले। तो यहाँ पर मैंने केक तो लाकर रख दिया है, पर बच्चे हैं जो बदमाशी कर रहा था इधर से उधर, आप देख सकते हैं कैसा कैसा मुंह बना रहा था। तो यहाँ पर दादी है उसकी, और अब हम लोग केक काटेंगे। तो यहाँ पर केक लाकर रखा है, और बच्चा है जो जिसका बर्थडे है वो तो उछल रहा है, तो नॉन स्टॉप ही उछल रहा है। तो अब हम लोग सब
जितने भी बड़े लोग हैं वो बच्चे को थोड़ा सा टीका लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सबने मिलकर, मैंने, इसकी दादी ने, सबने मिलकर टीका लगाया है। तो आप देख सकते हैं बच्चा कितना चंचल है, इधर से उधर छटपट छटपट कर रहा है। ये उसकी बड़ी माँ है जो उसको टीका लगा रही है। वो इतना खुश है कि क्या कहें उसको। ये देख सकते हैं कैसे कैसे मुंह बना रहा है। इसका बड़ा भाई है जो इधर से उधर हो रहा है। यहाँ पर इसकी नानी है जो टीका लगा रही है। आप देख रहे हैं कैसे कैसे इधर से उधर हो रहा है। बच्चों की बदमाशी ना यही यादगार रह जाती है। तो मैंने ये वीडियो सिर्फ इसकी यादों के लिए ही बना कर रखा है कि हमें ये यादें बरकरार रहे, तो हमेशा रहे। तो यहाँ पर बच्चे गिफ्ट लेकर कितने खुश हो रहे हैं आप देख सकते हैं। और बच्चों का बर्थडे रहता है उस दिन बच्चों को गिफ्ट मिलता है ना, इतना खुश होते हैं गिफ्ट देखकर कि उसका आप खुद अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। अगर हम भी बच्चे होंगे तो हम भी इसी तरह से करते होंगे। तो इस तरह से इसे गिफ्ट मिलता है। तो ये गिफ्ट मिलने के बाद सबको रखता जाता है। और सब आंटी हैं, नानी है, मौसी है, सब मिलके इसको गिफ्ट देते हैं और टीका लगाते हैं। तो यहाँ पर बगल की दीदी है, बच्चे की आंटी है, वो आरती दिखा रही है इसे और टीका लगा रही है। वो देख रहे हैं, कुछ कुछ बोल रही हैं तो देखता ही जा रहा है। कुछ देखिए कितना एक्साइटेड है केक कटिंग के लिए। और उसका बेस्ट फ्रेंड है, वो उसको गिफ्ट दे रहा है तो उसे रखा है। ये उसकी भाभी है, इनका खुद का भी चैनल है स्नेहा कुकिंग के नाम से। देखिए और भाभी को चोट लगा के कितना हंस रहा है। तो इसी तरह से सबने उसे प्यारा प्यारा सा गिफ्ट दिया और इसको ढेर सारा आशीर्वाद भी मिला। और ये बड़ी माँ इसको गिफ्ट दी, ये सबको साइड रखता जा रहा है। पहले कह रहा है कि मैं केक काटूँगा। केक देख के ऐसा एक्साइटेड है। मैंने लास्ट में क्या किया, जल्दी से केक को जलाया। एक्साइटमेंट में इसने मोमबत्ती को भी नहीं बुझाया है। यहाँ पर इसने केक कटिंग कर लिया है। केक कटिंग करने के बाद यहाँ पर जो बहन की बेटी है ना, वो बोल रही है मुझे मेरा बर्थडे है। तो उसको भी थोड़ा सा हल्का सा केक कटिंग करवा दिया कि उसका भी मन खुश हो जाए। और इधर मैंने केक सब कट कर लिया है और कट करके सभी बच्चों को देती हूँ। उसके बाद सभी बच्चे खाना खाते हैं। बस मैं खाना का क्लिपिंग नहीं ले पाई क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी हो गई थी बनाने में। सारा खाना मैंने खुद ही घर पर भी बनाया है। ये देखिए उसको सबसे बड़ा गिफ्ट मिलता है जो उसको चाहिए थी। तो ये मेरे तरफ से और इसके पापा के तरफ से उसको एक साइकिल हमने दिया है। और ये वो लेकर बहुत ही खुश हो रहा है। आप देख सकते हैं मैंने उसे पहले ही लाकर हमने नीचे वाले फ्लैट में मैंने छुपा दिया था ताकि ये देख ना सके, क्योंकि नीचे जल्दी कोई नहीं जाता है, नीचे वाले फ्लैट में नहीं इंटर करता है। तो यहाँ पर वो उसी समय से पूरा घूमकर तैयार हो गया और गिफ्ट देखकर वो बहुत ही एक्साइटेड हुआ। और ये मेरा बहन का बेटा है जो अभी 10 महीने का है। देखिए कितना एंजॉय कर रहा है, खेल रहा है। इसके साथ भी मैंने बहुत ही एंजॉय किया।
अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा।